डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, उसके लिए जो 16,000 ड्यूटियां कम की गई हैं उसके लिए डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। जो अभी चल रही लगातार ड्यूटियां चल रही थी उसमें सरकार ने 16,519 ड्यूटियां कम की गई हैं, उसको लेकर के जो डीएम साहब को आज हम लोग की जो ड्यूटी कम हो गई है उस संबंध में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। मान्य हमारे मुख्यालय में डीजी महोदय ने जो हम लोगों की 32% यानी 16,519 ड्यूटी है जो पूरे प्रदेश में कम कर दी गई है, उसके बावजूद ये लोग भर्ती करने के लिए तैयार है। 19,000 वैकेंसी ये पूरे हम लोगों को जितने हैं अभी हम लोग लगभग 87,000 होमगार्ड हैं प्रदेश में, ये उनको ड्यूटी नहीं दे पा रहे और 19,000 लोगों को भर्ती करके बेरोजगार करना चाहते हैं। इस संबंध में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी द्वारा और माननीय विधायक भित्री विधायक श्री पप्पू बरतौल जी द्वारा। यहाँ पे ड्यूटी कम होने से होमगार्ड्स बेरोजगार हो रहा है, हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये हुए थे कि पुलिस के न्यूनतम वेतन के बराबर होमगार्ड्स को मानदेय दिया जाए, उसके सापेक्ष सरकार ने हाँ फॉलोवर जो होता है उसके धोबी नाई इनके इनका वेतनमान जो है वो दिया जा रहा है न्यूनतम, जो कि नियमानुसार गलत है, हैं। और जो वेतनमान बढ़ाया है उसके बाद में फिर उन्होंने ड्यूटियां 16,000 ड्यूटियां कम कर दी हैं, जिसमें जिसको लेकर होमगार्ड्स में आक्रोश है और वो सरकार से सरकार को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि ड्यूटियां पुनः ड्यूटियां नियमित की जाएं। योगी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था कोर्ट के फैसला जो आएगा उस पर तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से भी कुछ करेंगे, ठीक है, आप लोग कल्याण करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पालन भी नहीं करा, इसलिए हम इस सरकार का पालन नहीं करेंगे। ये करीब 91,000 ड्यूटियाँ थी जो बहुजन पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी में 51,000 आदमी को रोजगार दिया जाता है, 1,16,400 होमगार्ड थे, जबकि 60,000 होमगार्ड घर पर रहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 51,000 का कोटा खत्म कर 16,000 ड्यूटियाँ खत्म कर दी, जिससे करीब 35,000 होमगार्ड को रोजगार मिलेगा और इससे होमगार्ड में भुखमरी फैलेगी और सरकार भर्ती करने का प्लान बना रही है, लगभग 20,000 होमगार्डों की भर्ती कर रही है। सरकार कहती है बजट नहीं है, मैं सरकार आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास बहुत बजट है सरकार, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अगर सरकार कह रही बजट नहीं है तो जो हमें एरियल देना चाह रही है सरकार 2 से 2.5 लाख, वो सरकार मेरा एरियल 1 से 2 महीना रोक ले, लेकिन हमें बेरोजगार ना करे। अगर सरकार ने हमें बेरोजगार किया तो इस सरकार को अंजाम देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भूख हड़ताल से अगर मर गए तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि अगर सरकार हमें रोजगार नहीं देगी तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें सबको रोजगार दें और हमारी ड्यूटियाँ 100% चलनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। लगभग 2600 होमगार्ड बरेली में हैं, 2600 होमगार्ड की भर्ती, 2900 होमगार्ड हैं, उनमें नए आदेश के 800 लगभग होमगार्ड लग रहे हैं, और ये सरकार कहती है कि सबका विकास सबका साथ और सबको रोजगार, जबकि 800 होमगार्डों को रोजगार मिल रहा है 2600 में से, ये हम लोग कहाँ जाएंगे। और जबकि बीएसपी और सपा की सरकार में लगभग 1200-1400 लोगों को रोजगार मिल रहा था, इसने 450 आदमी का रोजगार खत्म कर दिया। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को रोजगार दे। जय हिंद जय भारत। मैम बोला मेरे हिसाब से तो बस ये एक लॉलीपॉप है जो हमें लोगों को दी गई थी, लेकिन जब उसको हम खा रहे हैं उसके बाद हमारे मुंह में कुछ भी नहीं रहेगा। बस ये था हम लोग को खुश करने का एक तरीका था, जो उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये भाई अगर आप हमें पुलिस एक आरक्षी के बराबर वेतन देते, आरक्षी के बराबर वेतन भी नहीं है, हम लोगों का केवल एक कर्मी के बराबर है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक चतुर
हम लोगों पे तो अगर ड्यूटियाँ बैठ जाएंगी तो बहुत ही असर पड़ेगा आएगा, हर किसी के पेट पे लात मरेगी। और जो सरकार हम लोगों की सेहत तो अच्छा जो 15,000 दे रही थी तो वही हमारा अच्छा था, क्योंकि एक व्यक्ति से 10,000 का तो उनका कटेगा ही, 2 महीने का जब ड्यूटियाँ बैठेंगी तो उसमें 10,000 बच रहा है सरकार के लिए, हमें दे कब रही है सरकार। हम कदम उठाने वाली सरकार से ये कहना चाहते हैं मीडिया के रहने से कि हम लोगों की ड्यूटी नियमित लगाई जाए, और वरना नहीं होगा तो हम लोग पहली तरह मुख्य मांग भी यही है कि हमारी ड्यूटी जो है नियमित लगाई जाए, जो कर्मचारी हमारे बिठाने जा रहे हैं वो बिठाए नहीं जाए, नियमित ड्यूटी लगाई जाए, पूरा किया जाए। हम लोगों की ड्यूटी अभी तक लग रही थी 1300 कुछ लग रही थी बरेली जिले में, 1320 ड्यूटी लग रही थी बरेली जिले में, जो घटा के 800 कुछ कर दी गई है, 897 कर दी गई है। तो इससे हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जो कि हम लोगों को 2 महीने की इनकम में अब हम लोगों के 1 महीने की भी नहीं रहेगी। पहले जो सरकार जो 15,000 देती थी अब उसने मान लीजिए 20,000 कर दी, अब 20,000 सरकार ने कर दी है, अब 1 महीना करेगा आदमी, 1 महीना बैठेगा तो उल्टा इनकम और कम हो गई, 10,000 ही हो गए, इनकम और कम हुई है। अब जो नया आदेश हुआ है उसके अनुसार 20,600 कुछ रुपए मिलेगा, उससे पहले 15,000 रुपए मिलता है, एक दिन का था 500 रुपए था, और अब जो 672 रुपए कर दिया है।